जैसे ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स इनसाइड लैंडर यानी इनसाइड यान मंगल ग्रह पर सोमवार की रात लैंड हुआ, वैसे ही नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में खुशियां और बधाइयों का दौर शुरू हो गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का इनसाइड मंगल की धरती पर उतर गया और इसने लाल ग्रह यानी मंगल की पहली तस्वीर भी भेजी। माना जा रहा है कि इससे हमें पृथ्वी के बारे में और जानकारी मिल सकती है। नासा का मार्स इनसाइड यान करीब 7 साल की यात्रा के बाद लैंड हुआ है। यह नासा के इतिहास में मंगल पर 8वां सफल लैंडिंग है। बता दें कि इनसाइड मंगल ग्रह के बाहरी वातावरण में 19,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवेश किया और मंगल की धरती पर उतरने से पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक कम हुआ। 2012 के बाद नासा का यह पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों पर किसी स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाने का यह पहला प्रयास है। 5 मई को लॉन्च किया गया मार्स इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशंस एंड हीट ट्रांसपोर्ट इनसाइड लैंडर 2012 में क्यूरोसिटी रोवर के बाद मंगल पर उतरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान है। नासा में इस मिशन को कंट्रोल करने वाले ऑपरेटर ने इनसाइड की लैंडिंग की पुष्टि की। इससे पहले दुनिया भर से अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा रोवर्स, कक्षाओं और जांच के साथ मंगल ग्रह तक पहुंचने के 43 से अधिक प्रयास विफल रहे। रिपोर्ट के अनुसार यह यान ग्रह की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए सिस्मोमीटर का उपयोग करने वाला है, जिससे हमें यह पता लगाने में और मदद मिलेगी कि इसका निर्माण कैसे हुआ और यह पृथ्वी से इतना अलग क्यों है।